जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग वाले मामले पर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पार्लियामेंट को दी जानकारी। एक्सीडेंटल फायरिंग वाले मामले पर यूएस की तरफ से भी आया रिस्पांस। इंडियन एयरफोर्स नई टेक्नोलॉजी के साथ पुराने इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल करना रखेगी जारी। यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से तलवार क्लास फ्रिगेट्स की डिलीवरी में हो सकती है देरी। और सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत के रशियन हथियारों पर से निर्भरता हुई है कम। आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 9 मार्च को ही एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग वाले मामले की जानकारी आज पार्लियामेंट को दी गई है, जिसमें रक्षा मंत्री का कहना था कि सरकार ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसके लिए औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और जांच के बाद ही इस दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लग पाएगा। इसी पर आगे बात करते हुए रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित है और इसके अलावा हमारी सुरक्षा प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है और हमारी आर्म फोर्सेस अच्छी तरीके से ट्रेंड हैं और डिसिप्लिन हैं और ऐसे सिस्टम्स को संभालने में अच्छी तरह से एक्सपीरियंस भी हैं। वाकई रक्षा मंत्री का यह भी कहना था कि हम अपने हथियार प्रणालियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे तत्काल दूर किया जाएगा और बाकी दुर्घटना कैसे हो गई तो उसकी जांच चल रही है और साथ में इस घटना के मद्देनजर संचालन, रखरखाव और निरीक्षण यानी कि ऑपरेशन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए जो इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं तो उनकी समीक्षा भी की जा रही है। और बाकी भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि मैं संसद को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारे मिसाइल सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिलायबल और सेफ हैं। बाकी इस घटना को लेकर रक्षा मंत्री की तरफ से क्लियर किया गया है कि 9 मार्च को शाम को करीब 7 बजे एक रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान जो मिसाइल थी वो एक्सीडेंटली रिलीज हो गई थी और बाद में मालूम पड़ा कि वो जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर जाकर लैंड हुई है। इस इंसिडेंट का हमें काफी ज्यादा खेद है लेकिन हमारे लिए राहत की बात है कि इस दुर्घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और हाँ, बाकी आज रक्षा मंत्री के इस स्टेटमेंट में भी कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है कि वो जो मिसाइल फायर हुई थी वो कौन सी थी। और बाकी आप में से जिनको भी इस एक्सीडेंटल फायरिंग वाले मामले पर अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार था तो बता दें कि इसके रिगार्डिंग भी पीटीआई न्यूज एजेंसी की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है तो उसमें बताया गया है कि इस इंसिडेंट को लेकर अमेरिका का ये कहना है कि उन्हें इस बात के ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि अभी हाल ही में भारत की तरफ से जो पाकिस्तान में मिसाइल लैंड हुई थी तो ये एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट के अलावा और कुछ नहीं था। यानी कि अमेरिका का ये कहना है कि उन्हें यही लगता है कि ये गलती से हुआ है। और यूएस ऑफिशियल का ये भी कहना है कि इस मामले पर बाकी के फॉलोअप के लिए अब भारतीय रक्षा मंत्रालय को रेफर कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टेटमेंट जारी करके प्रिसाइसली क्लियर कर चुके हैं कि 9 मार्च को क्या हुआ था और इसलिए अब हमारे पास इस पर कमेंट करने के लिए कुछ और नहीं है। और रही बात पाकिस्तान के ज्वाइंट इंक्वायरी वाली डिमांड की, तो आज भारतीय रक्षा मंत्रालय के स्टेटमेंट से एक बार फिर से क्लियर हो चुका है कि भारत ने पाकिस्तान को कहा है कि आगे बढ़ो। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कहा गया है कि लगातार विकसित हो रहे नए नए खतरे और नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड हमेशा तैयार है। और आपको बता दें कि आज उधमपुर में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने भारत के वीर योद्धाओं को गैलेंट्री अवार्ड्स और डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया है और इसी सेरेमनी को संबोधित करते हुए उनका यह भी कहना था कि नॉर्दर्न कमांड में सिक्योरिटी सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा उत्तरी और पश्चिमी यानी कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न दोनों ही फ्रंट से भारत के एडवर्सरीज का सामना करने वाले एक्टिव ऑपरेशंस में हम एकमात्र कमांड हैं, लेकिन नॉर्दर्न कमांड इन सभी खतरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 14 और 15 मार्च को एयरबॉर्न एक्सरसाइजेस के दौरान मेनलैंड में कहीं पर भी रैपिड रिस्पॉन्स और एरियल इंसर्शन कैपेबिलिटी के लिए इंडियन आर्मी की एयरबॉर्न एंड स्पेशल फोर्सेस ने प्रैक्टिस की थी और इस एक्सरसाइज के दौरान कॉम्बैट फ्री फॉल और इंटीग्रेटेड बैटल ड्रिल्स के साथ कई एडवांस एरियल इंसर्शन टेक्निक्स भी इंक्लूड थी। इसके अलावा एक अपडेट ये भी देखने को मिला है कि AK-203 असॉल्ट राइफल्स वाली डील के बाद अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो तलवार क्लास फ्रिगेट्स वाली डील है तो उसकी डिलीवरी में भी हमें देरी देखने को मिल सकती है। आज जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में एक एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान एक सुअर को होरिफाइड कर दिया गया है और फिलहाल यह ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। इसके अलावा आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय की तरफ से पार्लियामेंट को सूचित किया गया है कि 2020 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के दौरान हुए टेररिस्ट वायलेंस और एनकाउंटर्स के दौरान हमारे करीब 62 सिक्योरिटी पर्सनल्स की जान गई है और जबकि 106 पर्सनल घायल भी हुए हैं और वहीं 2021 में इसी तरह की घटनाओं में हमारे 42 सिक्योरिटी पर्सनल की जान गई है तो वहीं 117 घायल हुए हैं और पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में करीब 176 बार घुसपैठ करने के प्रयास किए गए हैं और इन प्रयासों में करीब 31 यानी कि 31 आतंकियों को ढेर भी किया गया है। और जबकि राज्यसभा को रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 5 सालों में
काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस और आतंकी हमलों में करीब 156 आर्मी पर्सनल और 3 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल की कैजुअल्टीज हुई हैं। इसके अलावा केंद्र की तरफ से पार्लियामेंट को इस बारे में भी सूचित किया गया है कि गलवान घाटी वाले इंसिडेंट के बाद से चाइना के साथ लगने वाली सीमाओं पर भारत सरकार ने करीब 32 रोड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें से 8 रोड प्रोजेक्ट्स पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और चाइना के साथ लगी सीमा पर करीब 32 हेलीपैड्स का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा दूसरे देशों से हथियारों को इम्पोर्ट करने के मामले में इसमें रशिया का जो शेयर है जो कि 2012 से लेकर 2017 तक 69% था, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 2012 से लेकर 2017 तक 69% तक के वेपन्स रशिया से ही इम्पोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब इसमें गिरावट देखने को मिली है और 2017 से लेकर 2021 तक ये परसेंटेज 69 से घटकर 46 तक पहुंच चुका है, यानी कि अब केवल 46% ही रशियन वेपन्स भारत इम्पोर्ट कर रहा है। एरोस्पेस डोमेन में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और फाइबर ऑप्टिक इंटरकनेक्शंस में संयुक्त रूप से काम करने के लिए एचईएल ने बेंगलुरु बेस्ड कंपनी सेस्मोस के साथ एक एमओयू साइन किया है। इसके अलावा भी हाल ही में न्यू दिल्ली में आयोजित की गई इंटरनेशनल एरोस्पेस सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2022 को संबोधित करते हुए इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का कहना था कि हमें एक अच्छे सेफ्टी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के साथ साथ पुरानी और नई टेक्नोलॉजी को संयुक्त रूप से इस्तेमाल करने पर फोकस करने की जरूरत है। और इसके साथ उनका यह भी कहना था कि इंडियन एयरफोर्स ने हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न जनरेशन के एयरक्राफ्ट और इक्विपमेंट को इंडक्ट किया है, लेकिन इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स पुराने इक्विपमेंट को भी ऑपरेट करना जारी रखेगी। और बाकी अभी जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक अपडेट ये सामने आया है कि आज भारतीय रक्षा मंत्री ने जो इस एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग वाले मामले के बारे में पार्लियामेंट को जानकारी दी थी, तो आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री की उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया है और उसे इनकम्प्लीट यानी कि अधूरा बताया है और साथ में ये भी लिखा है कि वे इस मामले के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच कर रहे हैं और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस मामले पर विचार करने के लिए कहा है। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद अब पता नहीं क्यों हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारा जो प्यारा निकम्मा पड़ोसी है अब वो फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेइज्जती कराने का एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और क्या ये फीलिंग खाली हमें आ रही है या आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। यूक्रेन और रशिया के बीच शुरू हुए युद्ध का आज 20वां दिन है और अब इसी बीच यूएनएससी में भारत ने रशिया और यूक्रेन के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और निगोशिएशन के माध्यम से इस दुश्मनी को तत्काल ही समाप्त करने का आग्रह किया है और भारत का यह भी कहना है कि वो रशिया और यूक्रेन के साथ लगातार टच में रहेगा। इसी बीच आज भारतीय विदेश मंत्री द्वारा भी पार्लियामेंट को ऑपरेशन गंगा और यूक्रेन की सिचुएशन को लेकर भी जानकारी दी गई है, जिसमें उनकी तरफ से बताया गया कि जब से 24 फरवरी से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 20,000 स्टूडेंट्स को भारत वापस लाया जा चुका है। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम वाले भारत के सिद्धांत के अनुरूप फॉरेन नेशनल्स को भी कॉन्फ्लिक्ट जोन से इवैक्यूएट कराया गया है और इनमें 18 अलग अलग कंट्रीज के 147 सिटीजंस इंक्लूड हैं। इसके अलावा कई सारे यूक्रेनियन नेशनल्स जो कि इंडियन नेशनल्स के फैमिली मेंबर्स हैं तो उनको भी इवैक्यूएट कराया गया है। इसके अलावा आज 15 मार्च को यूक्रेन के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है कि यूक्रेन में रशियन आर्म फोर्सेस अभी तक करीब 13,500 पर्सनल, 81 एयरक्राफ्ट, 95 हेलीकॉप्टर्स, 404 टैंक्स, 9 यूएवीज, 150 आर्टिलरी पीसेस, 64 एमएलआरएस, 640 व्हीकल्स, 3 वेसल्स, 36 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम और 1,279 अलग अलग तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स का नुकसान उठा चुकी है। इसके अलावा यूके मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि वेस्टर्न यूक्रेन में रशियन एयर स्ट्राइक में ब्रिटिश स्पेशल फोर्स SAS के 3 एक्स पर्सनल के भी जान जाने की रिपोर्ट सामने आई है। US मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि जो चाइना है वो रशियन फोर्सेस के लिए मील रेडी टू ईट फूड पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए एग्री हो गया है। इसके अलावा जापान ने 17 और रशियंस पर सैंक्शंस लगा दिए हैं और जिनमें कुछ रशियन बिलियनियर भी हैं। इसके अलावा रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी की तरफ से दावा किया गया है कि अब ये क्लियर हो चुका है कि अमेरिका के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने यूक्रेन को बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए बढ़ावा दिया था और मदद भी की थी। बाकी रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी का यह भी कहना है कि यूक्रेन में रशिया का स्पेशल ऑपरेशन उनकी योजना के अनुसार चलता रहेगा और बाकी यूक्रेन रशिया के किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो एक न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना का डर भी बना हुआ है, तो इसी डर की वजह से अमेरिका में एंटी रेडिएशन पिल्स सेल आउट हो गई हैं। और ऐसे आपको बता दें कि इस पूरे मामले को हमने आज के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स में कवर किया है जो आप हमारे डिफेंस इनसाइट चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 1948 में इंडियन आर्मी के मेजर सत्यपाल चोपड़ा ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपनी कंपनी का नेतृत्व किया था और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी दुश्मन का डटकर सामना किया था और उनके इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आज का ही वो दिन है जब भारत में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, लेफ्टिनेंट कुलदीप सिंह और सिपाही विक्रम सिंह जैसे वीर योद्धाओं का जन्म हुआ था। और आज के दिन 1957 में राइफलमैन एसेमा, 2008 में राइफलमैन मोहम्मद हादिया
और 2013 में राइफलमैन जी बहादुर बीकी ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।